मेरा नाम वैभव शर्मा है और अभी हम कनाडा से आए हैं। तो बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ और हमारा ICCRC लाइसेंस कंसल्टेंट, RCIC कहते हैं, रेगुलेट कैंडिडेट इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। तो हमारा जो आज का जो सेमिनार हमने जो किया है वो बेसिकली जागरूकता, अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए किया है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को काफ़ी गलत गाइड किया जाता है। तो हम उनको एज़ पर जो बेस्ट नॉर्म्स हैं, जो कैनेडियन इमिग्रेशन एक्चुअल में जो चाहता है और कैसे अपनी फाइलिंग करनी है, प्रॉपर कैसे करना है, तो उसके हिसाब से आज हमारी कोशिश थी कि थोड़ा हम बच्चों को जागरूक करें, उनके पेरेंट्स को थोड़ा हम एक होप दें कि अगर जैसे उनका किसी का बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो क्यों हुआ, तो उसके बाद भी चांस है। कई बार बच्चा निराश हो जाता है, एंड प्रॉपर वे क्या है अप्लाई करने के लिए, तो ताकि बच्चों के कोई पैसा भी आगे ख़राब ना हो और उनको एक होप मिले। बच्चे अभी से अगर मेहनत करेंगे तो कनाडा का एक प्रोसेस, एक प्रॉपर प्रोसेस है, तो सिर्फ कनाडा का स्टडी परमिट तक इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। बच्चे का आगे वर्क परमिट भी आता है, आगे बच्चे का PR भी है, सिटीजनशिप भी है। तो प्रॉपर प्रोसेस ऐसा शुरू करें कि जब एक बार शुरू करें तो लॉन्ग टर्म तक जाए, ऐसे जाके ना हो कि बाद में कोई उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर बच्चे को बाद में कुछ चैलेंज फेस करना पड़े। तो आज का जो हमारा सेमिनार था वो इसी पे था, अवेयरनेस करना। बाकी आप देख रहे हैं हमारी टीम है यहाँ पे, एंड हमारा यही मोटिव रहता है कि वी वांट टू गिव द बेस्ट एडवाइस। तो हम बच्चों को कोई फॉल्स प्रॉमिसेस ऐसा हमारा उस पर नहीं रहता, कि जो जेन्युइन है उस पर। जैसे बच्चों को अगर हम कहते हैं कि हम हर बच्चे को कहते हैं कि मेहनत करो और IELTS पे फोकस करो, SGS कैटेगरी में फोकस करो, अच्छे कॉलेजेस में आप अप्लाई करो, वहाँ जाके मेहनत करो, जो कैनेडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो, 20 घंटे अपने स्टडी परमिट पे काम करना है तो वैसे करो आप, जो आपका जो उस देश के कुछ नियम एंड कानून हैं तो वो जाके उनको प्रॉपरली फॉलो करें, नियम कानून को, ठीक है। एक कनाडा एक बहुत सुंदर और बहुत अपॉर्चुनिटिस्ट कंट्री है। जो बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं तो उनके पास, उन्होंने बहुत राइज किया है, तो उन्होंने तभी राइज किया है कि अगर उन्होंने प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किए, सारे नॉर्म्स फॉलो किए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और कई बार बच्चों को गलत गाइडेंस मिलती है, तो हमारा ये रोल रहता है कि भी यहाँ पे बीट इन इंडिया और हमारी टीम कनाडा में भी है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार बच्चा आके वहाँ पे मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग बाहर का देश है, वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उसका। तो बच्चे को कोई भी हेल्प चाहिए होती है, हम उनकी वहाँ पे ज़रूर सपोर्ट करते हैं, उनकी हम हेल्प आउट करते हैं, एंड वी आर देयर, हमारे साथ टीम है। एंड बाकी उनको अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनिशियल जो प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करें, मेहनत का कोई और दूसरा इलाज नहीं है, कोई तोड़ नहीं है मेहनत का, प्रॉपर मेहनत करें, वही मेहनत आगे आपको आगे जाके हेल्प करेगी कनाडा सेटल होने में भी, वही मेहनत आपको आगे बहुत राइज करेगी। मेहनत, जो मेहनती लोग हैं उनकी कनाडा में बहुत ज़्यादा वैल्यू और वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बाकी कोई उनको हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, हम लोग वहाँ बैठे हैं, वो आके हमारे को हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, कनाडा के जो लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं, तो देर इज़ अ वेबसाइट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इमिग्रेशन ICCC की, जो उनके साथ गवर्नमेंट के साथ जो बॉडी काम करती है उनकी वेबसाइट है। तो आप जाके इस वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं नेम वाइज कि कौन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है या नहीं। सो दैट एक वो आपका लाइसेंस जो कंसल्टेंट्स होते हैं आपकी, उसमें जेन्युइनिटी आती है, एंड मेरे ख्याल से तो उससे दैट इज़ अ मेजर थिंग्स। ICCC इन द सेंस, जैसे आप यहाँ पे लॉयर बोलते हैं तो एक ICCC उसको उस टाइप में, हम उनको इंडिया की तरह उनको लॉयर भी बोल सकते हैं। तो एट दैट लॉयर नहीं होते, बट उनका यदि आपको कनाडा के अंदर बिजनेस इस इंडस्ट्री में काम करना है, मान लो इमिग्रेशन का काम करना है, तो ICCC के सर्टिफिकेशन के बिना आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो यदि उसका सर्टिफिकेशन है तभी आप उनको एक काम कर सकते हो। तो उससे पहले उनकी पहले स्टडी होगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, फिर उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा। क्या चीज़ का? नौजवानों का। अच्छा, नौ यंग जनरेशन का। यंग जनरेशन का जी बहुत बढ़िया फ्यूचर है कनाडा में। बच्चे जो देखिए, दोनों देश तरक्की कर रहे हैं, इंडिया भी बढ़िया देश है, कनाडा भी बढ़िया देश है। कई बच्चे यहाँ पे बहुत बढ़िया करते हैं, जो बच्चे कई एक राइट टाइम पे जाते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे एक कॉमन फ्रेंड है अमित, ठीक है। तो अमित वो एज अ स्टूडेंट गए थे, अभी पीछे अमित की PR हुई है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। मेहनती, वहाँ पे मेहनती इंसान का, अब वहाँ पे कोई भी काम कर लें, हाथ का काम कर लें, आप कुछ और काम कर लें, तो मेहनती इंसान के वहाँ पे वैल्यू बहुत है,
बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो यहाँ से लोग अगर वहाँ जाते हैं तो आधे से ज़्यादा रास्ते में जुड़ जाएगा वो नहीं। एक्चुअल में ये जो बात आप पूछ रहे हो तो ये चीज़ें हैं कि यदि आप किसी गलत वे से जा रहे हो तो आपको जो वे है वो अच्छा चूज़ करना है। अच्छा चूज़ करने के लिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको हम आपको जिस वे के अंदर भेज रहे हैं वो आपका उसका नॉर्म्स पता होना चाहिए। नॉर्म्स पता करने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, आप उनके ऊपर जाके आप उनको सर्च कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो उनके अंदर आज के दिन के अंदर बहुत सारा क्लैरिफिकेशन हो चुका है। ये पहले हुआ करता था जब हमारे बच्चे जाने की आड़ में भूल जाते थे कि ये प्रोसेस भी कोई चीज़ होती है, तो वो उनको ये होता था कि हमें बस अभी बाहर जाना है, तो वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते थे। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारा झूठ भी है, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो झूठ बोलता है, हम झूठ नहीं बोलते नहीं। उसमें एक्चुअल में क्या होता है भाई साहब, वो हमारा काम हमारे तरीके से है। हो सकता है हम अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हो सकता है वो अपने काम से हमारे से भी अच्छा ज़्यादा काम कर रहा हो। तो ब्लेम करने का ये है कि यदि बंदा खुद सही काम कर रहा है तो वो उसका बच्चे का आगे फ्यूचर ख़राब नहीं होगा। इसीलिए इस एजेंडे को लेके हमने आज जो सेमिनार किया था, आप सही एजुकेशन चूज़ करो, सही कॉलेज चूज़ करो, सही लोकेशन चूज़ करो, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आई, इन चीज़ों को लेके तो हमने आपको अवेयर किया है कि आप आगे जाने पर पहले उसको सर्च कैसे कर सकते हैं, हम चेक कैसे कर सकते हैं ये कॉलेज सरकारी है या नहीं है, इसको आगे स्टडी परमिट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हमें सभी को आज बुलाया था। तो काफ़ी अच्छे हमारे स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस हुई है, बच्चों को आगे उनके पेरेंट्स साथ में आए थे, 1-to-1 के साथ भी हम उनकी कंसल्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों सेटिस्फाइड है। बाकी लाइफ में शॉर्टकट आप कहीं कहना ही बात नहीं, इंडिया में भी आप शॉर्टकट लोगे तो उसका नुकसान होगा, एज पर प्रोसेस है वो फॉलो करो, जैसे आईएस करके जाना है तो कोई दिक्कत नहीं आपको। बहुत सारे को तो आईबीएस का पता ही होगा, उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते होंगे, और ऐसा नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है कि नौजवानों को आईबीएस करो। एक्चुअल में जो पूरा का पूरा पंजाब के अंदर या तो वो नशे में है या बाहर का नशा। आपकी बात बहुत सही है, मैं आपको बात बताता हूँ। हमारा बहुत सारे ऐसे यूथ जो है ये थोड़ा हम इस पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे जो समाज में। जैसे हम अपने ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे एक शादी को बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, तो ये कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए या कुछ लोग इसको गलत यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बात आप बेरोजगारी की, जैसे बच्चा बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा अपने देश के अंदर जनसंख्या का बहुत बड़ा क्राउड है। अभी आप कंपैरेटिव करें कनाडा से इंडिया की कंपैरेटिव, तो कनाडा की पूरी जनसंख्या 6 करोड़ है, तो हमारा देश 135 करोड़ का है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया उस कनाडा के चार, मतलब इतना बड़ा है कि 4 गुना बड़ा इंडिया से 4 गुना बड़ा कनाडा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्राउड कम है, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए बच्चा अपना फ्यूचर देखता है कि मैं वहाँ जाके 2-4 साल में सेटल हो सकता हूँ। बड़ा बड़ा ये मैं बताता हूँ कि जो बच्चा यहाँ से प्लस टू करता है वो अपना आयल्स करता है और 2 साल के लिए डिप्लोमा लेके कनाडा चला जाता है। 2 साल डिप्लोमा करने के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और 3 साल के वर्क परमिट के बाद वो अपनी पीआर के लिए एलिजिबल होता है और पीआर डालता है और उसकी पीआर आती है। यानी 5 और 6 साल के अंदर वो बच्चा वहाँ पे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी यानी वहाँ पे यहाँ की नागरिकता ले लेता है। उसके बाद वो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है। 6 महीने बाद बच्चा वहाँ पे आपका वहाँ का एक सिनेरियो है, कल्चर है कि हर बच्चे ने काम करना है। 18 साल का भी बच्चा काम करेगा, 21 साल का भी बच्चा काम करेगा, तो वहाँ का एक कल्चर है जिसकी वजह से वो कल्चर को और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, उसका फ्यूचर बन गया, उसके माँ बाप का फ्यूचर। हाँ जी, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे वो चला गया उसके जैसे वो पियर हो जाएगा, तो कनाडा एक वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिससे बच्चा पियर होने के साथ साथ उसके माता पिता भी उसकी पियर लगा सकता है ऑन रिकॉर्ड प्रोसेस के हिसाब से। वहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन, जैसे माता बच्चों अपने पेरेंट्स का प्रैक्टिकली देखें पंजाब के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे जो आधे से ज़्यादा ऐसे गाँव या शहर हैं जिनके बच्चे वहाँ हैं और उनके पेरेंट्स भी वहाँ हैं, रोज देखिए ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये किसी बच्चे के माता पिता के प्रति क्या प्रेम है वो इंडिया में भी है, अकेला वहाँ जाने से नहीं है। भी कोई बच्चे, अभी मैं अपने माता पिता को नहीं संभालूंगा तो लोग मेरे को भी बात करेंगे, आप इस बात पे समझ रहे हैं। वो तो बच्चे के कितने उसको संस्कार है, वो कितना किसी के साथ घुलता मिलता है, वो बच्चे की बात है।
जिसने माता पिता की सेवा यहाँ भी नहीं करनी वो बाहर वाला भी नहीं करेगा यहाँ, वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड बात करते हैं, आप ये नहीं कहेंगे। हाँ, प्रोसेस ऐसे होते हैं कि आप माता पिता को ले जा सकते हो, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, उसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसको चलते रहें। तो और आपकी कोई क्वेरी? सर, कई इंस्टीट्यूट्स द्वारा फीस वगैरह का इशू रहता है कि बच्चों से फीस पहले भरवा ली जाती है? नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट सर। एट मैग्नस लैंग्वेज स्कूल हमारा फर्स्ट डे जो डेमो क्लास रहता है इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसका कुछ भी चार्जेस नहीं कर लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन अगर बच्चा कंटिन्यू करता है, ऑल्दो हम लोग ये तो बिल्कुल कहते हैं क्योंकि फीस रिफंडेबल नहीं रहती है, नॉन रिफंडेबल रहती है, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आते हैं, लाइक वी ऑल नो कि बहुत सारे IELTS इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल अवेलेबल, तो कुछ बच्चों का क्या काम रहता है, लाइक दे गो वन टू अनदर एंड देन दे गो फॉर अनदर वन एंड दे जस्ट कीप ऑन टेकिंग क्लासेज एंड एन्जॉइंग देमसेल्व्स। उसमें क्या रहता है, टीचर्स के बहुत एफर्ट्स जाते हैं, तो उसमें ठीक है एक दिन डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, अगर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर IELTS एंड यू रियली वॉन्ट टू ज्वाइन तो आपको पे करना पड़ता है, बट देर इज़ नथिंग लाइक कि अगर आपका कुछ जेन्युइन रीज़न है, अगर आपका मूड चेंज हो गया और अगर आप IELTS नहीं करना चाहते हो, या फिर इसके अलावा आपके कुछ फंड्स का इशू हो रहा है, आप नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो वीज़ा के लिए, नहीं आप कैपेबल हो पा रहे हो, तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि हम उनकी फ़ीस नहीं उनको देंगे, कुछ भी जेन्युइन रहता है तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दैम। इवन हमारा लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस इन सिरसा इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है क्वाइट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल है, एंड नॉट ओनली ये कि हम इसके अलावा भी वी प्रोवाइड दम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक मटीरियल फॉर स्टडिंग एट होम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन टू वन इंडिविजुअल अटेंशन उनको वहाँ मिलती है, वन टू वन अटेंशन उन्हें वहाँ मिलती है, एक्स्ट्रा क्लासेस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है अगर दे आर फाइंडिंग और दे आर स्ट्रगलिंग इन एनी ऑफ द मॉड्यूल्स इन IELTS। Thank you, जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।